हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उन्नाव जिला के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उन्नाव उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। अगर इसकी इतिहास पर नजर डालें तो कहा जाता है कि पहले इस क्षेत्र पर चौहान तथा गौंड शासकों का कब्जा था। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार उन्नाव के गंगा तट के परसा नामक स्थान पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया का प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी। कहा यह भी जाता है कि लौह पुरुष ने भगवान श्री राम की सेना को इसी स्थान पर परास्त किया था। इसके अलावा हिंदी साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ने वाले प्रताप नारायण मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा और सुरकांत त्रिपाठी निराला आदि का संबंध उन्नाव जिला से रहा है। उन्नाव जिला के बांगरमऊ ब्लॉक के जटामपुर गांव में भगवान बुद्ध ने अपने जीवन का कुछ समय व्यतीत किया था, जिसका उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तियों में की है। आज के समय में उन्नाव 4558 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इस जिले की कुल आबादी 31,08,000 है। इस 31,08,000 में 16,30,000 पुरुष तथा 14,78,000 महिलाएं मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से उन्नाव जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें रेल मार्ग की तो उन्नाव जिला में कुल 23 रेलवे स्टेशन मौजूद है, लेकिन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन उन्नाव जंक्शन है, जिसका स्टेशन कोड ON है और उन्नाव जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म तथा 7 ट्रैक मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन वाराणसी कानपुर ब्रांच लाइन, लखनऊ कानपुर लाइन, उन्नाव रायबरेली लाइन पर स्थित है और नॉर्थन रेलवे जोन की लखनऊ NIR डिवीजन के अंतर्गत आता है। उन्नाव जंक्शन के माध्यम से जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उचहार एक्सप्रेस, चित्रकूट एक्सप्रेस, मरुधार एक्सप्रेस जैसी कई तमाम रेलगाड़ियां यहां से गुजरती हैं, जो आगे चलकर देश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती हैं। अगर वही बात करें सड़क मार्ग की तो जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 25 गुजरती है, जो उन्नाव को लखनऊ और कानपुर से जोड़ती है। इसके अलावा बाईपास हकीम टोला में स्थित बस स्टेशन, जो उन्नाव का बहुत ही बड़ा बस स्टेशन है, यहाँ से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों तक नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। अगर वायु मार्ग की बात करें तो उन्नाव जिला में वायु मार्ग की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ का सबसे निकट में स्थित एयरपोर्ट कानपुर का एयरपोर्ट है, जो यहाँ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उन्नाव जिला गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और गंगा नदी के किनारे पर बसा उन्नाव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मात्र 65 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 525 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, उन्नाव जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्नाव जिला में कई से घूमने के स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उड़ा सकते हैं। आइए नंबर एक की बात करते हैं। नंबर एक पर है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया है। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित है। इस पक्षी अभयारण्य में एक झील है। इस अभयारण्य में दूर दूर से प्रवासी पक्षियां यहां पर आते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 250 प्रकार की प्रवासी पक्षियां इस वन्य अभयारण्य में रहती है, लेकिन संख्या धीरे धीरे घट रही है, जिसे नियंत्रण ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पक्षी अभयारण्य में एक हिरण पार्क भी मौजूद है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य उन्नाव जिला का मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। अगर शिक्षा की बात करें तो उन्नाव जिला की साक्षरता दर 66% है और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम चौधरी खनन सिंह PG कॉलेज, सचिदानंद वाजपेयी महाविद्यालय, माँ शक्ति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय आदि मौजूद है। अगर वही व्यवसाय की बात करें तो जिला का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। इसके अलावा यहाँ पर मछली पालन और डेयरी फार्मिंग का भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करना पसंद करते हैं। धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना उन्नाव जिले की मुख्य फसलें हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उन्नाव जिला के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल टुडे। कीप स्माइल एंड कीप ग्रोइंग।